हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम अपना हिंदी का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी की आज की क्लास में हम देखेंगे रूप की मात्रा वाले जो शब्द हैं, जो लेसन हमने पिछले क्लासेस में कंप्लीट किया उस लेसन का स्वाध्याय। ओके, तो जैसे कि हमने स्वाध्याय में कल क एंड ख के क्वेश्चंस देखे थे ना, वो आपको समझ में आए और क्या वो आपने अपने नोटबुक और टेक्स्ट बुक में लिखे। ओके, तो अभी हम देखते हैं इसके ग के क्वेश्चंस। तो ग में क्या है, देखो, दिए गए शब्द को रूप की मात्रा वाले समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। यानी कि ये जो शब्द दिए हैं हमें यहाँ पे, ये भी हिंदी में ही है ना, लेकिन इसके और ऐसे शब्द बनते हैं जिसमें रूप की मात्रा लिखिए। कौन सी रूप की, तो वो हम अभी आज की क्लास में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अभी सब लोग अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालो एंड पेज नंबर 34 देखो और अच्छे से सामने ध्यान दो। देख क्या है पहला वाला शब्द यहाँ पे, राज, किंग। राजा यानी कि क्या होता है, किंग। तो राजा को हम क्या बोलते हैं, राजा को एक और शब्द है जो हमने कल की क्लास में भी देखा, क्या बोलते हैं उसको, नूब। क्या बोलते हैं, नूब। नूब यानी कि क्या होता है, राजा। वैसे ये शब्द गलत है, राज नहीं है, राजा। ओके, अभी देखो सेकंड वाला क्या है, तीन। तीन को कल की क्लास में हमने कौन सा शब्द देखा था, तीन। तीसरा, थर्ड बोलते हैं उसको, एक और शब्द है वो क्या है, तृतीय। कौन सा शब्द है ये, तृतीय। ओके, अभी देखो थर्ड वाला, कर्ज। कर्ज को क्या बोलते हैं, कर्ज को भी एक और ऐसा शब्द है जिसमें अंगु की मात्रा लगती है एंड वो है ऋण। क्या है, ऋण, ऋषि का ऋण एंड न, ऋण। ओके, अभी देखते हैं खेती। खेती को हम क्या बोलते हैं, खेती को क्या बोलते हैं हम, जैसे कि मतलब जैसे कि देखो ना, कल की क्लास में हमने देखा था किसान, किसान को बोलते हैं कृषक। तो खेती को क्या बोलते हैं, कृषि। क्या बोलते हैं, कृषि। क्या बोलते हैं खेती को, कृषि। ओके, उसके बाद देखो दिल। तो दिल को क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने कल के क्लास में देखा था, दिल को बोलते हैं हृदय। क्या बोलते हैं दिल को, हृदय। ओके, देन बैल। तो बैल को क्या बोलते हैं, वृषभ। क्या बोलते हैं, देखो वृषभ। ओके, इतने हो गए कंप्लीट। अभी देखते हैं घर। तो घर को क्या बोलते हैं, घर, मकान, हाउस, इतना तो आपको पता है। उसके साथ साथ एक और ऐसा शब्द है जिसमें कौन सी मात्रा लगती है, रु की मात्रा। तो वो क्या है, गृह। क्या है वो, गृह। ओके, उसके बाद देखते हैं किसान, जो कि हमने कल की क्लास में देखा था। तो किसान को बोलते हैं कृषक। क्या बोलते हैं किसान को, कृषक। ओके, एंड लास्ट वाला है पेड़। तो पेड़ को क्या बोलते हैं, जब पेड़ का हमें ऐसा शब्द बनाना है जिसमें ये मात्रा लगी हो, रु की मात्रा, उसको वैसे हम कौन सा शब्द लिखेंगे, इसको वृक्ष। क्या लिखना है, वृक्ष। ओके, तो अभी हमने आज की क्लास में कौन से शब्द बनाए, देखो राजा, नू, तीन, तृतीय, कर्ज, ऋण, खेती, कृषि, दिल, हृदय, बैल, वृषभ, घर, गृह, किसान, कृषक, पेड़, वृक्ष। इतने आपको समझ में आए। तो जो भी हमने आज की क्लास में, जो भी मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिया, वो अच्छे से आपको अपने टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक में लिखना है। एंड ये सब ओनली लिखना ही नहीं है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है एंड समझना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम यही पे स्टॉप करते हैं। बाकी की इसकी एक्सरसाइज यानी कि स्वाध्याय हम अपने अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके,